पिछली क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे और संघीय कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघीय कार्यपालिका पर चर्चा कर रहे थे और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन मंडल क्या होता है, कुछ संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की थी, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, अगर वह उपस्थित होगा तो फिर कौन दिलाएगा, इन सब बातों पे मैंने चर्चा की थी कल आपसे, ठीक है। आज अब हम लोग देख रहे हैं कितने राष्ट्रपति आज तक बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछ लिया जाता है ये मूल निवासी किस स्टेट के थे, बिहार स्टेट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। अगर जरा इनके समय पर चर्चा करें तो ये कब बने राष्ट्रपति, कब बने, नहीं देखिए इधर एक डेट जरा समझिए, जैसे आपने कहा 24 जनवरी, ठीक है, 1950, ठीक है, देखिए इधर इस डेट को ये चुने गए, बने नहीं। अगर इस डेट को बने होते लास्ट पीछे अगर इस डेट को बने होते तो गणतंत्र दिवस इस डेट को मनाया जाता, ये अपने दिमाग में बैठा लिया इधर, अगर इस डेट को बने होते तो इस डेट को क्या गणतंत्र दिवस मनाया जाता, राष्ट्रपति बने कब, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी। और 26 जनवरी को कुछ लोग कभी स्पीच देने लगते हैं आज के दिन संविधान लागू हुआ हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है, नहीं, संविधान लागू हुआ, अरे संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, कभी कभी 26 जनवरी को किसी विद्यालय में पहुंचो फिर वहां के टीचर, ठीक है, वो देखो ना एक एक, आज के दिन मेरा संविधान लागू हुआ, ठीक है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान, अगर संविधान के उपलक्ष्य पे था तो संविधान दिवस मनाते, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते, बताओ ना, अगर संविधान ही कहना था तो संविधान दिवस मनाओ ना, गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हो, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पीछे क्या है रीजन, क्योंकि जो मेरा राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित है, वो चुना जाता है राष्ट्राध्यक्ष, गणतंत्र में क्या होता है, राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंश परंपरा के अनुसार नहीं है, जैसे इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में क्या है, अभी महारानी का निधन हुआ उनका बेटा आ गया, कौन आ गया, चार्ल्स तृतीय, ठीक है, ऐसा नहीं है, नेपाल भी पहले राजतंत्र था, ठीक है, अब नेपाल भी क्या है, गणतंत्र, ठीक है, अब नेपाल भी क्या है, गणतंत्र, पहले राजतंत्र था, अब वर्तमान समय में नेपाल क्या है, गणतंत्र, ठीक है, वहां इस समय राष्ट्रपति कौन है, नेपाल राष्ट्रपति, अच्छा विद्या देवी भंडारी ने, विद्या देवी इस समय नहीं है, चेंज हो गई है, प्रचंड, अरे नहीं गलत, राम वरण या रामचंद्र ऐसे करके कोई नाम है, ठीक है, मुझे भी एकदम कंफर्म नहीं, नहीं देव पहले थे पीएम, इधर देखिए इनका समय कब से कब तक है, इनका समय 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक, इधर इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन रहने वाले कहाँ के थे, तमिलनाडु, अच्छा ये एक दार्शनिक थे, फिलोसफर, ये एक दार्शनिक थे, और जो इनका समय है 1962 से लेकर के, ठीक है,
1967 से लेकर 19 इनका क्रम पूछा जाता है, लोग पता नहीं ट्रिक बनाते रहते हैं, ठीक है, और ट्रिक भूल गए जानो सब भूल गए। दार्शनिक फिलासफर इधर, और ये पहले राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। अच्छा इनके विषय में अब ये दो विकल्प है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाता है जब चीन के साथ युद्ध हुआ, इमरजेंसी लागू की गई, तो उस समय 1962 में उस समय इमरजेंसी लागू करने वाला अर्थात आर्टिकल नंबर R352 लागू करने वाला कौन था, अनुच्छेद नंबर 352 लागू करने वाला, क्या 352 लागू करने वाला, हाँ बताओ। दो विकल्प दिए हमने इधर, राधा कृष्ण इधर, इन्होंने क्या किया था, अनुच्छेद नंबर 352 लागू किया, राधा कृष्ण ने अनुच्छेद नंबर 352 लागू किया। अगला नाम है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कहां के रहने वाले, आंध्र प्रदेश। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, तो इनका समय क्या है बताएं, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अगला फिर इसके बाद कौन बना, बीवी गिरी, ठीक है। बीवी गिरी कहां के रहने वाले, ओडिशा। अच्छा बीवी गिरी ओडिशा के रहने वाले थे, ठीक है। इनका समय बताएं 1969 से लेकर बताइए क्या, नहीं कार्यवाहक के बाद में पूरा टाइम मिला ही नहीं, उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए, फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देने के बाद चुनाव लड़े, फिर राष्ट्रपति 74 तक पूरा समय व्यतीत किया 1974। इधर जरा देखिए ये 5 साल के लिए रहे, अब इनसे इनके बारे में कितने प्रश्न आते, सबसे ज्यादा इनके बारे में पूछा जाता है। देखिए इनके समय पता है द्वितीय चरण की मतगणना हुई, द्वितीय चरण की मतगणना हुई, ठीक है। अच्छा इनका चुनाव, ठीक है, चुनाव के संदर्भ में केस हुआ, ठीक है, चैलेंज किया गया चुनाव पर, निर्वाचन को ठीक है चैलेंज किया गया, ठीक है, चैलेंज किया गया, ठीक है, अर्थात आर्टिकल नंबर 71 का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद नंबर 71 का प्रयोग किया गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है इनके विषय में, ठीक है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। अच्छा पहले व्यक्ति ये है जो किसी दल से किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, ठीक है, निर्दलीय चुनाव जानने, निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राष्ट्र, किसी पार्टी संबंधित नहीं थे, इनके बारे में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही सब पूछा जाता है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, और प्रथम क्या है गैर कांग्रेसी पार्टी, ठीक है, गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, तो की मतगणना इनके समय में प्रारंभ होगी, ठीक है। अगला कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद, कहां के रहने वाले थे, दिल्ली। अच्छा इनका समय क्या था बताएं, क्या
सदातर एक मिनट देख के मत बोलना कोई को, कोई फायदा ही नहीं है। इधर हमको ये बताइए जो इमरजेंसी लागू की गई 1971 में, ठीक है, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? 1971 में जो इमरजेंसी लागू की गई जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया दीदी के, ठीक है, इन्होंने क्या किया, आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग किया देवीगिरी ने, ठीक है। उसके बाद इनके समय में क्या हुआ, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। और अगला पॉइंट इनके बारे में पता क्या होता है, ठीक है, इन्होंने अनुच्छेद नंबर 352 का प्रयोग किया। क्या किया, अनुच्छेद नंबर 352 का इन्होंने भी प्रयोग किया, अर्थात किस आधार पे इमरजेंसी लागू की थी इन्होंने, आंतरिक अशांति के आधार, ठीक है। इधर फिर उसके बाद अगले नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी कहां के रहने वाले थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल बताएं 1977 से लेकर के 82 तक। अच्छा विशेषता क्या है जरा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीते, ठीक है, निर्विरोध। अच्छा निर्विरोध से मतलब क्या है, जैसे इधर निर्विरोध से मतलब क्या है, जैसे अभी यहाँ कहें अभी तुम्बे से मॉनिटर किसी को बनाए, ठीक है, तो दो तीन लोग बोले हमें बना दीजिए, ठीक है, मैंने कहा चलो यहाँ पर इलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो तीन चार प्रत्याशी आ गए, ठीक है, एक कंडीशन एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाता है कहता हमें बना दीजिए, तो सब लोग बोले हाँ ठीक है यही सही है, हमें नहीं बनना यही सही है। अर्थात जब नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े, ठीक है, इस समय की बात कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है, ये निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न है इधर, क्या हमें ये बताएं नीलम संजीव रेड्डी क्या इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव कभी लड़े थे, यस या नो? नो, नहीं, पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए, ठीक है, नहीं, इससे पहले चुनाव लड़े और हार गए, ठीक है। दूसरी बात समझो इधर, नीलम संजीव रेड्डी क्या कभी पहले, इससे पहले की बात करेंगे, ठीक है, क्या लोकसभा के स्पीकर रहे या डिप्टी स्पीकर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, ठीक है, नहीं स्पीकर, ठीक है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पहले लोकसभा का स्पीकर रहा हो, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। इधर इनके समय से एक परंपरा शुरू हो गई, परंपरा क्या, हर व्यक्ति आया, हर व्यक्ति ने 5 साल तक बैटिंग की, ठीक है, तो इनकी जो डेट है ना क्या है, 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई, ये कब से, 25 जुलाई से, ये भी एग्जाम में पूछा गया, किसके समय से भारत में एक परंपरा नजर आती है कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है। जैसे जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और अमेरिका का जब नया राष्ट्रपति होगा तो 20 जनवरी को क्या करेगा, शपथ लेगा, ठीक है, डेट फिक्स रहती है। उसी प्रकार भारत में भी एक परंपरा नजर आई, परंपरा नजर कैसे आ गई, एक संयोग है कि जितने राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बाद बने सबने अपना पूरा पूरा कार्यकाल व्यतीत किया, ठीक है, तो जब पूरा कार्यकाल व्यतीत किया और उनके निर्वाचन के समय कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है, तो क्या हुआ, एक ऐसी झलक दिखाई देती है हमारे यहाँ कि सब 25 जुलाई को ही नया राष्ट्रपति शपथ लेगा। अब यहाँ से जो डेट चलेगी 25 जुलाई की सब की चलती है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में अगला ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी जैल सिंह का समय, ठीक है, पहले ज्ञानी जैल सिंह कहाँ रहने वाले, पंजाब। ज्ञानी जैल सिंह का समय 1982 से लेकर के 87, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह के समय की कोई घटना बताओ, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो कहते जेबी वीटो,
जेवी वीटो का प्रयोग किया, वीटो का प्रयोग किया, ठीक है। हाँ, इन्होंने सबसे पहले जेवी वीटो का प्रयोग किया, ठीक है। अभी वीटो पावर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। जेवी वीटो, पॉकेट वीटो, इधर जेब का मतलब पॉकेट, ठीक है। कोई बिल दिया गया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में रख लिया। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेगा तब कानून बनेगा, और वो पॉकेट में रख लिया, ठीक है। वो एक तरीके से भूल गया। अमेरिका के संविधान में निश्चित है समय कि वो पॉकेट वीटो पॉकेट में कब तक रख सकता है, केवल 10 दिन तक रखता है। और भारत के संविधान में क्या लिखा पॉकेट वीटो के संदर्भ में, भारत का राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेगा, शीघ्र निर्णय लेगा। शीघ्र डिफाइन ही नहीं किया गया, शीघ्र डिफाइन ही नहीं किया गया। अब बताया गया भाई शीघ्र गाड़ी आने वाली, आप तो कितने लोग झूठ बोलते हैं। गाड़ी चालक से पूछो ना, ड्राइवर से, अगर किराए पे की, हाँ भैया बस आ रहे हैं, वो बस आ रहे हैं चलता रहता 2-3 घंटे तक, ठीक है। अभी हम जब ब्यूटो पावर पढ़ेंगे तो इसे डीप करेंगे, ठीक है। अगला अगला बताओ, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ठीक है। इनका समय, आर वेंकट रमन कहाँ के रहने वाले थे, मद्रास, मद्रास। और इनका समय 1987 से लेकर के तब तक है 1992 तक, ठीक है। ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति, नोट कर ले, सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति, सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति। हाँ पूछो क्या भैया, ये जब कन्फर्म नहीं, सबसे ज्यादा ये उम्र वाले, आप 50 से इधर, हाँ। इनका कहना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल कैसे रहे, ठीक है। इधर 26 जनवरी, देखिए दिमाग में अगर विचार आए तो जरूर शेयर करो। 26 जनवरी 50 से लेकर 1962 तक रहे, ठीक है। राष्ट्रपति जब पहली बार चुने गए तो संविधान सभा द्वारा चुने गए, और राष्ट्रपति का जो पहली बार चुनाव हुआ 1952 में हुआ, कब हुआ 1952 में हुआ। अब लोग कहते हैं कि 1952 में वो निर्विरोध चुने गए, नहीं, 1952 में इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे केटी साहब, जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का झूला कहा, जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का झूला कहा, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई, इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950, ठीक है। यही तो जानना चाहते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बने तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस दिलाएगा। और चीफ जस्टिस उस समय था कौन, क्या चीफ जस्टिस कौन था बताएं, इधर। अच्छा, इस समय क्या तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट था, इस डेट पे क्या तुम्हारे पास इस समय सुप्रीम कोर्ट था, क्या इस समय तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट था, नहीं, इस समय तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इस समय तुम्हारे पास कौन सा न्यायालय था, संघीय न्यायालय, ठीक है। इधर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस दिलाएगा, इधर। अब अच्छा, राष्ट्रपति कब बने, 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी को आपके पास सुप्रीम कोर्ट था, इधर जरा समझिए एक मिनट, क्या सुप्रीम कोर्ट था, नहीं था, संघीय न्यायालय था। तो संघीय न्यायालय का अंतिम चीफ जस्टिस कौन था, संघीय न्यायालय का अंतिम चीफ जस्टिस कौन था बताएं,
नहीं बता तो इनको इनको जो शपथ दिलाई थी हीरा लाल जेपानिया ने, ठीक है, जो संघीय न्यायालय के अंतिम थे और उसके पहले, ठीक है, आगे बढ़े। देखें एक प्रश्न फिर यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, और इधर अभी दिमाग में ये घूम रहा होगा, पता है ये प्रश्न तो आम प्रश्न है, ये नेहरू जी को, ठीक है, नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई थी, ठीक है, कब, जब अंतरिम सरकार बनी तो नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई, जब आजाद हुए तब किसने दिलाई। अब अच्छा ये देखो ना, शपथ इनको कौन दिलाएगा तो तुम्हारे अंदर विचार आना चाहिए, राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति उस समय क्या था, एज ए गवर्नर जनरल था, तो उस समय गवर्नर जनरल जो होगा वो शपथ दिलाएगा, ठीक है। और जब चुनाव हुए इधर 1952 में जब चुनाव हुए तब इन्हें कौन शपथ दिलाएगा, तब इन्हें शपथ दिलाने वाले कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आर वेंकट रमण के बाद में कौन बना बताओ, नंबर क्या है, नंबर नवा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा कहाँ के रहने वाले थे, क्या मध्य प्रदेश, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा के विषय में एक प्रश्न आता है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिनका समय तो 92 से लेकर के 97 तक, अच्छा इनके समय में पता है संविधान संशोधन हुआ, कौन सा 73 74, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। सबसे बड़ी बात, सबसे अधिक प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्हीं के समय में हुआ, आए प्रधानमंत्री गए प्रधानमंत्री, आए प्रधानमंत्री और गए प्रधानमंत्री, सबसे अधिक कार्यकाल इन्हीं के समय में रहा, ठीक है, लिख लीजिए, 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इनके समय में हुआ, ठीक है, 4 प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्हीं के समय में, ठीक है, आना जाना लगा था। शंकर दयाल शर्मा के बाद में के आर नारायण, केरल, के आर नारायण का समय 2002, ठीक है। अब प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण के बाद में प्रतिभा देवी पाटिल, कलाम साहब, कलाम 2002 से लेकर के 2007 तक, अच्छा इनके विषय में क्या, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, ठीक है, और प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति भी, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति और प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जानना चाहते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद में प्रतिभा देवी पाटिल, अच्छा ये रहने वाले कलाम पास में थे, तमिलनाडु, रामेश्वरम के पास धनुषकोड़ी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले थे, ठीक है। प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, इनका कार्यकाल 2007 से लेकर के 12, प्रथम महिला राष्ट्रपति, इधर बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, देखिए प्रश्न कठिन गलत हो जाए कोई बात नहीं है, अगर प्रश्न इजी है जो सब कर सकते वो गलत हो जाए ना, तो ये अपने अंदर जरूर मान लो कि उस समय तुमको लगभग जो बैठे हुए बच्चे हैं लाखों बच्चों ने तुम्हें पीछे धकेल दिया है, ठीक है, अगर सरल प्रश्न तुमसे गलत हो जाए। अगला प्रतिभा देवी पाटिल के बाद में प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल, ठीक है, 2012 से लेकर के 17 तक, ठीक है, आप पहले वित्त मंत्री भी रहे, फिर रामनाथ कोविंद, कहाँ से भैया, यूपी, ठीक है, आज 2017 से लेकर के 22, फिर द्रौपदी मुर्मू,
ठीक है, ओडिशा मयूरभंज, ठीक है, 2022 से लेकर के अब तक, नहीं 27 नहीं लिखेंगे, अब तक, आज तक, ठीक है, अब तक या आज तक, पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली, और इनकी जनजाति संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, हाँ राज्यपाल भी दे चुके, ठीक है, लिख लिया, राज्यपाल भी रह चुकी, ठीक है, अरे नरे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है, निर्वाचन संबंधी विवाद किस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 71 में, ठीक है, अच्छा किसके किसका निर्वाचन संबंधी विवाद रहा है, जाकिर हुसैन, ठीक है, वी वी गिरी, और वी वी गिरी पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, वी वी गिरी एग्जाम में पूछा भी गया है, वो राष्ट्रपति जो उत्तर प्रदेश का पहले राज्यपाल भी रहा हो, ठीक है, तो वी वी गिरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी है, ठीक है, और भैया कौन है, ज्ञानी जय सिंह, ठीक है, ये तीन लोगों का निर्वाचन संबंधी विवाद गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, अभी यहाँ पर समझिए पहले, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, जैसे अभी तुम देखते हो विधायक सब प्रधानी के चुनाव हुआ, विवाद हुआ, तुम लोग न्यायालय की शरण पहुंच जाते हो, सब जो उम्मीदवार होता है या प्रत्याशी होता है, ठीक है, न्यायालय की शरण पहुंच जाता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है तो वो कहाँ हो सकता है, ए सुप्रीम कोर्ट, वी हाई कोर्ट, और सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और डी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पहले ही विकल्प, ठीक है, इधर पहला ही सही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इधर देखिए, अच्छा ये बताएं सुप्रीम कोर्ट ने, समझिए इधर, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्वाचन संदर्भ में अपना जजमेंट दे दिया, ठीक है, उस जजमेंट के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है, विकल्प देते हैं, एक कहीं नहीं विकल्प आपको पहले नंबर में, ठीक है, इधर कहां अपील की जा सकती है, पहला कहीं नहीं, कहीं नहीं, दूसरा पता है, दूसरा है राष्ट्रपति के पास में, जो राष्ट्रपति है उसके पास में की जा सकती है, ठीक है, तीसरा है, तीसरा है प्रधानमंत्री, और चौथा डी विकल्प है आपका संसद, क्या राष्ट्रपति, अच्छा तुमको एक बात बताएं, कभी भी अपने दिमाग में बैठा देना, जब कोई प्रश्न सुने और उसका उत्तर दे दे, ठीक है, प्रश्न सुनते ही उत्तर दे दे, विकल्प सुनने की जरूरत ना पड़े, तो ये मान लेना उसका उत्तर सही है, ठीक है, जो जो प्रश्न सुने उत्तर दे दे, विकल्प की जरूरत ना पड़े, विकल्प की जरूरत कब पड़ती है, जब गाड़ी हल्की विकलांग होती है, ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का हल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ना वो क्या होगा, अंतिम व सर्वमान्य, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, नोट करिएगा, निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद
का निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा। अब बात करते हैं, देखें इधर, अगर अगर सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति के चैलेंज किया गया इलेक्शन को और वो क्या करता है, कहता है इलेक्शन को अवैध करार देता है, ठीक है, गलत तरीके से आप चुन करके आए हैं, ठीक है, तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे, उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब निर्वाचन में जा केस करने कौन जाएगा, केस करेगा तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने आप बोलने लगेगा नहीं, केस करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। देखिए, एक तो मतदाता कर सकता है और एक उम्मीदवार कर सकता है, प्रत्याशी भी कर सकता है, ठीक है, उम्मीदवार कर सकता है, मतदाता कर सकता है। जैसे तुम्हें केस करना, आज रिजल्ट आया, ठीक है, तो एक टाइम भी फिक्स किया गया है, अगर उम्मीदवार करेगा तो कितने दिनों के अंदर केस करे, 30 दिनों के अंदर, ठीक है, 30 दिनों के अंदर उम्मीदवार क्या करे, केस कर सकता है, ठीक है। पर अगर एक मतदाता इधर अकेले तुम पहुंच गए, जैसे नहीं कभी कभी तुम देख लेते हो, कभी जंगल वंगल में या कभी किसी चिड़ियाघर में गए हो, शेर शेर जिधर शेर का क्षेत्र हो, कोई पैग वैग लगा के चला जाता है, अरे आ लाओ मिला है जाकर के, ठीक है, उसे क्या डर ही नहीं लगता जो है शेर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या एक मतदाता राष्ट्रपति के केस को चैलेंज कर सकता है, अकेला मतदाता नहीं कर सकता है, कितने होने चाहिए, कम से कम 20 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है, 20 होने चाहिए तभी आप केस कर सकते हैं। और तुम्हें बताएं, तुम्हारा जब पेपर आएगा ना तो तुमसे ये नहीं पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो एक ही प्रश्न में तुम्हारा शपथ ग्रहण समारोह पूरा लपेट देगा, ठीक है। और कभी कभी पेपर आ जाता है ना, वो एक क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग वाला देखो ना, अगर तुमने कभी वीडियो का पेपर अभी हुआ 2018 वाला, एक पेज में एक पेपर, एक पेज में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, आधा पढ़ोगे तो आधा भूल जाओगे, तब तक दोबारा जब पढ़ोगे तब तक टाइम हो रहा है, समझ रहे, कंपटीशन आज आसान नहीं रहा है, जब तक हम उसे डीप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वन डे एग्जाम है, खूब प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर, अंतिम निर्णय वह सर्वमान्य होगा, इन लोगों ने केस किया, अगर तुम्हें पूछा जाए क्या केस के दौरान कोई उपस्थित हुए, तो बीवी की केस के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित भी हुए, ठीक है। अगर तुमसे कहे कोई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया, तो बीवी के राष्ट्रपति जो थे कार्यकाल के दौरान गए। हाँ, लगभग समय 30 दिन है सबके लिए, ठीक है। अगला है पद रिक्त, यह भी पूछा जाता है, पद रिक्त, राष्ट्रपति का पद कितनी तरीके से रिक्त हो सकता है, तीन तरीके से रिक्त हो सकता है, ठीक है, तीन तरीके से हो सकता है, त्याग पत्र देने, त्याग पत्र दे दे, कहे हमें नहीं बनना राष्ट्रपति, मैं सब छोड़ रहा हूँ रायसीना आयल्स, मैं हिमालय जा रहा हूँ तपस्या करने, ठीक है, कुछ भी जैसा अगर उसका मन हुआ, क्या वो सरपंच कह दे अब हमें नहीं जाना, हमें सरपंच का चुनाव लड़ना है, ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रपति सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, जाकर के कहे हमें चुनाव लड़ना है, लड़ सकता है, कोई भी इनकार नहीं, संविधान उस पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ कार्य नहीं कर सकता है,
ठीक है, अब भारत छोड़ो ना, अमेरिका में क्या है, वो बराक हुसैन ओबामा अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं बराक हुसैन ओबामा, ठीक है, क्या वो अपने लिए कुछ न कुछ तो कर नहीं है खाली? देखे सरकार तुम्हें सुविधाएं दे रही, पेंशन दे रही, इसके मतलब क्या आराम से जीवन यापन, आराम से जीवन यापन वही होगा जहां आप शारीरिक श्रम करेंगे, ठीक है। तो भारत में अगर कोई करना चाहे बिल्कुल आ जाती है, पर हमारे यहाँ राजनीति व्यवस्था ऐसी है वो एक बार राजनीति में आ जाता है कहते नहीं हमारे बच्चे भी नहीं जाएंगे, पौत्र भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो समस्त जो भी कार्य करना चाहे ऐसा कोई वारंट जारी नहीं होता है नियुक्ति के संदर्भ में, समझिए हमारी बात, ऐसा कोई नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी नहीं होता है कि वो कार्य नहीं कर सकता, वो जो कार्य करना चाहे वो कार्य कर सकता है, ठीक है। अगला भैया, अगला है मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, ठीक है, कटु सत्य है, ठीक है। अगला क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है, महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। हमारे देश में अब तक किसी को भी हटाया नहीं गया, किसी को भी नहीं हटाया गया, ठीक है, किसी को नहीं हटाया गया महाभियोग के द्वारा। अच्छा इसमें देखते हैं जरा, महाभियोग की जो आधार है किस आधार पर लगाया जाएगा पता चला, ठीक है। आधार का उल्लेख, ठीक है, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल नंबर 56 में मिलता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56 में मिलता है। आधार क्या है संविधान का, उल्लंघन, ठीक है। अगला क्या है, प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर, ठीक है, 61 में मिलता है, ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी। अब जरा समझिए हमारी बात, इधर जो इम्पीचमेंट है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, शुरुआत किसी भी सदन से कर सकते हैं, जिस सदन से करेंगे उस सदन को प्रथम सदन बोल लेंगे उस प्रक्रिया में, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में, और उसे दूसरे सदन में, पहला सदन दोष लगाता है, दूसरा सदन, दो सदन दोषों की जांच करता है और उन्हें दोषी सिद्ध करता है, अगर दोषी पाए गए तो दोषी सिद्ध करेगा, ठीक है। और ये प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए और प्रस्ताव से पहले 14 दिन पहले, ठीक है, उन्हें जो है राष्ट्रपति महोदय को सूचना दी जानी चाहिए, और जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों का, उस सदन के सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है, इधर प्रश्न ये आता है कि लोकसभा राज्यसभा, इधर राज्यसभा लोकसभा, मान लो प्रस्ताव आया, ठीक है, प्रस्ताव आया, ध्यान समझिए, एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न अभी नहीं आप सबसे किया, ठीक है। प्रस्ताव मान लो द्रौपदी मुर्मू, कल्पना करो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक प्रस्ताव आया, राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है, वो प्रस्ताव लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, कंडीशन ए विकल्प, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, संयुक्त बैठक होगी, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, ठीक है, बी विकल्प है, ठीक है, बी विकल्प है लोकसभा, लोकसभा को एक बार पुनः विचार करना होगा, सी विकल्प राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट में केस कर राष्ट्रपति को हटाएगी। और डी विकल्प है इनमें से नहीं, पहले रुक जाओ, जैसे हम पूछे वो जितेंद्र आज नहीं आए, ठीक है, हाँ बताओ, डी ऑप्शन, हाँ ठीक है, तुम बोलो, संयुक्त बैठक, हाँ
बी वाला, हाँ इधर बी। अच्छा बी पर कितने लोग जरा हाथ उठाए एक बार, बी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। अच्छा बी ऑप्शन 13 लोग। अच्छा ए ऑप्शन जरा हाथ उठाए, ए एक दो एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ए ऑप्शन पे नौ। अच्छा सी, सी तरह सी कोई नहीं, तो तुम लोग भी सही होंगे तो ठीक है। डी, डी पे कोई नहीं, देखो पीछे देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अच्छा अच्छा आप बताओ, यहाँ एक है वहां नहीं है, बताओ ठीक है संयुक्त क्या है? अरे संयुक्त तो बैठक नहीं होती है, साधारण बिंदु पर ही संयुक्त तो बैठक होती है ठीक है ठीक है। डी इधर देखिए, राज्यसभा में पास हुआ लोकसभा में पास नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे प्रस्ताव गिर जाएगा, प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, इधर वो बिल समाप्त हो जाएगा, प्रस्ताव ही समाप्त हो जाएगा। एक सदन ने पास किया दूसरे सदन ने पास नहीं किया तब क्या कहेंगे, प्रस्ताव गिर जाएगा या प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा ठीक है। अगला लिखे, देखिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार भैया क्या विशेषाधिकार है? राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार है उनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 361 में है ठीक है। लिखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को दीवानी मामलों के संदर्भ में, राष्ट्रपति को दीवानी मामलों के संदर्भ में न्यायालय में बुलाया जा सकता है, न्यायालय में बुलाया जा सकता है परंतु इससे पहले, परंतु परंतु बुलाने से पहले, बुलाने से दो माह पहले, बुलाने से दो माह पहले, दो माह पहले राष्ट्रपति से परामर्श कर, राष्ट्रपति से परामर्श कर डेट निश्चित की जाएगी, कर डेट निश्चित की जाएगी। भाई वो इतना शेड्यूल उनका बिजी होता है, व्यस्त होते हैं, तो ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति आया जब चाहे तब मिल लिए। तुम दिल्ली गए जैसे, तुम नहीं जनता दर्शन चलता है मुख्यमंत्री से लखनऊ गए, आज अच्छा आज इस समय मुख्यमंत्री से जाओ मिल लो जा करके ठीक है, मिल लिया कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री से तुम गए, कोई मंत्री जाता है नहीं मुलाकात होती है, सब लोग जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो डेट फिक्स करते हैं इस डेट को मिलना है। अरे ये सो बराक हुसैन ओबामा जैसे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका पूरा हर व्यक्ति का शेड्यूल फिक्स होता है, आप भी अपना फिक्स करिए, इस समय में पढ़ना है, इस समय ये करना है, ये सब जाना है, ये अगर ये मित्र आएगा तो इस समय मुलाकात करनी होगी। आप क्या, हम लोग क्या आम व्यक्ति हैं, कोई जब भी आता है जब बिना बिना बताए आ जाता है कि अरे चलो कहाँ, ये तो गुरु जी है या ये मिल गए आप मिल गए, अरे मित्र मिल गया हमारा, तो आम जीवन है ठीक है। अन्य का शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है ठीक है। देखिए हड़ी लाले राष्ट्रपति की शक्तियां, शक्तियां शक्तियां ठीक है, क्या राष्ट्रपति को जो विवेकाधीन शक्ति है तो स्वविवेक की शक्ति, क्या स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान में है? राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान में है? स्वविवेक, क्या स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान में है? यस या नो?
नो 75 क्या मतलब 75 आर्टिकल 75 वो 75 तो बिल्कुल कहता है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या 72 क्या कहता है? 75 ठीक है बताएं। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियों का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। तो विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है परंतु अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति किसी को तो विवेक के आधार पर माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति तो विवेक के आधार पर किसी को माफ कर सकता है परंतु 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 यह कार्य भी गृह मंत्रालय के आधीन ही होता है। ठीक है जैसे कोई माफ करता है गृह मंत्रालय रिपोर्ट कर देता है इसे माफ कर दीजिए तो माफ कर देते हैं। ठीक है वैसे विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती है। इधर अब देखो शक्तियां सबसे पहले नियुक्ति करता है किसकी किसकी नियुक्ति करता है इधर एक मिनट देख ले फिर उसके बाद हम वोट करा देंगे। ठीक है पहले देख लें आर्टिकल नंबर 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है फिर आर्टिकल नंबर 148 कैग की नियुक्ति करता है। ठीक है आर्टिकल नंबर 155 गवर्नर की नियुक्ति करता है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है 155 के बाद में ठीक है आर्टिकल नंबर ठीक है 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है आर्टिकल नंबर 217 के बाद में 280 वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। 280 के बाद में ठीक है 316 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है आर्टिकल नंबर 324 निर्वाचन आयोग के ठीक है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 340 SC/ST/OBC आयोग का गठन करता है। ठीक है अगला आर्टिकल नंबर 344 एग्जाम में पूछा जाता है राज्य भाषा आयोग का गठन करता है। ठीक है राज्यपाल का उसकी क्या कहते हैं राजदूतों की नियुक्ति करता है दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा दिल्ली व पांडुचेरी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है जल बंटवारा आयोग का गठन करता है। ठीक है महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है यहाँ तक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये सब कौन करता है भारत का राष्ट्रपति। अगर कोई नदी जल बंटवारा है तो उस आयोग का भी गठन कौन करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है देखिए अनुच्छेद नंबर 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। नोट किया अगला अनुच्छेद नंबर 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद नंबर 124 में किसकी नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, 148 कैग की नियुक्ति करता है, 155 आर्टिकल नंबर 155 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, 155 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल नंबर 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल नंबर 316 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, देखा देखिए 316 के बाद 324 लिखे निर्वाचन आयोग, में मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अगला लिखे अनुच्छेद नंबर 340 SC ST OBC आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, 340। अनुच्छेद नंबर 344 राजभाषा आयोग का गठन करता है, ठीक है, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं, दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है, दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला लिखे राजदूतों की नियुक्ति करता है, अगला लिखे राजदूतों की नियुक्ति करता है, लिखे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कामा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, हाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नदी जल विवाद के संदर्भ में आयोग का गठन करता है, विवाद के संदर्भ में आयोग का गठन करता है, नदी जल विवाद के संदर्भ में आयोग का गठन करता है। अगला अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, के सदस्यों की नियुक्ति करता है। आ जाइए इधर, विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जरा समझे विधायी शक्ति, पहले एक मिनट समझ ले उसके बाद इधर, क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है? राष्ट्रपति संसद का अंग है, राष्ट्रपति तो संसद का अंग है, एक पार्ट है संसद का, ठीक है पार्ट है, तो विधायिका जब विधि निर्माण की प्रक्रिया है तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में उसका महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है, अंग है तो क्या है, विधि
निर्माण की प्रक्रिया में योगदान है। यदि निर्माण की प्रक्रिया में योगदान है, योगदान कैसे? इधर राज्यसभा और लोकसभा में पास बिल हो गया, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेगा तभी वो क्या बनेगा? कानून बनेगा। ठीक है। अच्छा, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र कौन बुलाएगा? एग्जाम में खूब प्रश्न आता है। ठीक है, संसद का सत्र कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति महोदय संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्र बुलाते हैं। ये राष्ट्रपति का काम है कि संसद का सत्र वो बुलाएं, सेशन शुरू हो। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे संसद का सेशन शुरू हो। ठीक है, अभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, बड़ा ज्यादा लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, सत्र बुलाना, सेशन बुलाना और सेशन को समाप्त करना किसका काम है? राष्ट्रपति का। क्या करना? सत्र का सत्रावसान करना। सत्र का सत्रावसान करना मतलब सत्र की समाप्ति हो गई। ये किसका काम है? राष्ट्रपति का कार्य। यही पर अगर पूछा जाता है संसद के सत्र की बैठक चल रही, स्थगित कर दी गई, वो सदन का अध्यक्ष करता है। जैसे आज बैठक हुई, शोर शराबा मचने लगा तो उन्होंने कहा आज 2 घंटे के लिए स्थगित दी जाती है। वो कार्य किसका है? स्पीकर महोदय का है। वो कार्य किसका है? सभापति महोदय का। परंतु उसे सत्रावसान करना, सत्र की समाप्ति करना किसका कार्य है? राष्ट्रपति का कार्य। अच्छा, यही पर आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है? कहता है सत्र बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, सत्र बुलाएंगे राष्ट्रपति और दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य रूप से 1 माह में 2 सत्र होने चाहिए, 1 वर्ष में 2 सत्र होने चाहिए। अच्छा, यही क्या कहता आर्टिकल? कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, भंग कर सकता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता? अपना अभिभाषण देता है। जैसे नई सरकार बनती है, राष्ट्रपति आता है, ये मेरी सरकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण भी देता है। अब एक अभिभाषण से संबंधित प्रश्न आ जाता है। जैसे अभी सरकार 2024 में चुनाव होंगे, नई गवर्नमेंट बनकर के आएगी। जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी तो वो पता क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगे। ठीक है, अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए कहा जाएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, तो जैसे वो जाएंगी तो उनको एक लेटर दे दिया जाएगा पूरा। ठीक है, आप ये पढ़िए, पहले से बता दिया जाता आप ये पढ़ेंगी। ठीक है, वो वही पढ़ेंगी। ठीक है, वो पढ़ेंगी, उसमें हर शब्द वो लिखेगी। पता बोलेगी कैसे? मेरी सरकार ये करेगी, मैं ये करूँगी, सब कुछ वो उनका खुद का संबोधन होगा। पर रियल में वो लेटर जो पढ़ रही हैं वो उनके द्वारा तैयार नहीं। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार कौन करता है? जो सरकार बनी है उसके द्वारा तैयार कराया जाता है। ठीक है, कि हमारी क्या प्लानिंग है, पर वो पढ़ेगा कौन? राष्ट्रपति। और वो सब बातें अपने पर, मेरी ये सरकार, मैं ये करूँगी, जनता के कल्याण के लिए मेरे द्वारा ये कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, पर उसे तैयार वो राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद की वह बैठक बुला सकता है, संसद की वह बैठक बुलाता है, संसद की वो बैठक बुलाता है,
तथा उसे समाप्त भी करता है। अनुच्छेद 85 लिख लें, राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा, राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक वर्ष में दो बैठकें जरूर होंगी, अर्थात एक वर्ष में दो बैठकें जरूर होंगी, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर बात करते हैं 86 की, 86 क्या है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो संसद है संसद को संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। दूसरी बात क्या है, राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी कर सकता है, ठीक है, जैसे आज राष्ट्रपति ने कहा चलो सब लोग बैठ जाते हैं, संबोधन हो जाता है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है किस आर्टिकल में कहा गया, और संसद को क्या कर सकता है, संबोधित भी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 87 सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या कहता है इसमें, इसमें क्या बात कही गई है, राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहली बैठक व प्रत्येक वर्ष की संसद की पहली बैठक को अनिवार्य कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति जो है, देखिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद, जैसे 2024 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी राष्ट्रपति उसे संबोधित जरूर करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो चुनाव हुए और चुनाव के बाद में पहली बैठक हुई जाकर के कल्पना करो, ठीक है, अप्रैल में उसमें हुई जाकर के सितंबर में हुई, तो जैसे होगी तो इन्हें संबोधन करना कंपलसरी है, ठीक है, और उसके बाद आप प्रत्येक वर्ष में जो फरवरी में पहला बजट सेशन शुरू होता है शुरुआत में जरूर वो संबोधित करेंगे, साल की पहली बैठक को वो जरूर संबोधित करेंगे, ये विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ठीक है, ये तो विधायी शक्तियां हैं, क्या इसके अलावा भी कोई विधायी शक्ति है, ऑर्डिनेंस जारी करने की, देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने, अच्छा गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा मिली थी, वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली थी, क्या किस, नहीं किस एक्ट के द्वारा मिली, गवर्नर जनरल को, मैं गवर्नर राज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुच्छेद नहीं पूछ रहा हूँ, भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ाया है वहां से पूछ रहे हैं, 1853 गलत है पर है नजदीक, 1861 तुमने फायदा उठाया, इधर अध्यादेश जारी कर देगी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख 123 में, अनुच्छेद नंबर 123 में है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 123 में है। अब ये बात आती जो ऑर्डिनेंस है अध्यादेश है जारी कब किया जाता है,
जारी कब किया जाता है, जारी कब किया जाता है, इधर देखिए, अध्यादेश कब कब जारी किया जा सकता है, ये प्रश्न है। आपके पास ये विकल्प है, नंबर एक, ठीक है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है। नंबर बी, लोकसभा का सेशन नहीं है, राज्यसभा का सेशन है, सॉरी है, ठीक है। नंबर तीन, लोकसभा का सेशन नहीं है और राज्यसभा का सेशन नहीं है। नंबर चार, लोकसभा का सेशन है और राज्यसभा का भी सेशन है, ठीक है। विकल्प ये तो 1 2 3 है, तुम तो सोचने लगे, 1 2 3 4 क्या करें, कल तुम सोने लगे तो हमने कहा कुछ कठिन पूछे। इधर विकल्प नंबर ए, 1 2 3 4, विकल्प नंबर बी, 1 2 3, विकल्प नंबर सी, 1.2, विकल्प नंबर डी, 1.4। तुम्हारा बी, हाँ ए, ये बोलो। अच्छा रुक जाओ, ऐसे ए कितने लोगों को सही है, जरा हाथ में, एक ये वाले एक, ठीक है, एक बी कितने लोगों को, जरा हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 12 13 मन नहीं गिन लिया। सी, 1 2 डी, हाँ बताओ तुम्हारा क्या है, डी, हाँ बोलो, अच्छा डी डी, और कोई डी, दो ही लोग, अच्छा चलो मैंने डी डिलीट कर दिया, हाँ बताओ क्या, नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा, आपकी समय तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, पर उसे और थोड़ा ठीक हो जाओ, ठीक है। इधर बताएं, ऑर्डिनेंस, मैंने कहा लोकसभा है राज्यसभा है, लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, ठीक है, सेशन नहीं है मतलब, ठीक है, नहीं का मतलब सेशन नहीं है, राज्यसभा का, लोकसभा का है, लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का है, दोनों नहीं है और दोनों हैं, ठीक है। शिवम बताओ, नहीं क्लियर। इधर ऐसे में देखें, ऑर्डिनेंस कब जारी होता है, ऑर्डिनेंस तब जारी होता है जब कानून नहीं बन सकता। कानून तो तभी बनेगा जब लोकसभा हो और राज्यसभा हो, ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय क्या करें, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर कर दें, ठीक है, सिग्नेचर कर दें तो कानून बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इनमें से कोई एब्सेंट है तो कानून बनेगा नहीं, अब इनमें से अगर ये है ये नहीं है तो कानून बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं है ये है तो कानून बनेगा नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं तो कानून नहीं बनेगा। ये तीन स्थितियों में ऑर्डिनेंस जारी होता है, ये एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लोकसभा का भी सेशन चल रहा है, राज्यसभा, ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जाएगा। अब एक प्रश्न ये आता है, जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया, कोई ऑर्डिनेंस की, ठीक है, क्या उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, क्या ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या नहीं, किया जा सकता है या नहीं, बताइए सुबोध का, नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है ना, अध्यादेश जैसे अन्य कानून होते वैसे ही अध्यादेश भी होता है, ठीक है। अच्छा अब एक प्रश्न आता है, अध्यादेश जो होगा अधिकतम कितने समय तक वैलिड रहेगा, अधिकतम समय 6 माह, एक का कहना 6 माह, एक का मैं 3 माह, हाँ
हाँ अच्छा ठीक है, डाउट है इधर, ऑप्शन दे दें। अरे इसमें कौन सा था? इसमें बता तो चुके हैं, ये जो है एक दो तीन ऊपर वाला चौक। हाँ भी पूरा पूरा हमने समाप्त कर दिया, तभी भी तुम पूछ रहे हो वो क्या कह रहे हैं, रामायण समाप्त हो गई, ये कहते राम को अधिकतम समय, अधिकतम समय विकल्प नंबर 6, 3, 1 इनमें से नहीं, नन ऑफ दिस, बताइए ये प्रश्न आता आप क्या लगाएंगे? 6। अच्छा आप सुनो इधर, अब हमारी बात समझो, अधिकतम समय कैसे डिफाइन हो, जैसे हम कहते 6 अभी 3 कैसे डिफाइन हो? देखिए ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाता है, जब सेशन नहीं चल रहा है और दो सेशन के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। अभी आर्टिकल नंबर 85 पढ़ा है, 85 क्या कहता है, दो सेशन के मध्य अधिकतम गैप कितने माह का? 6 माह का, 6 माह का हो गया। अब एक और कंडीशन है, अगर संसद का सत्र चल रहा है तो कितने दिनों तक ऑर्डिनेंस बैठ रहेगा? अगर संसद का सत्र चल रहा है तब कितने दिनों तक एक ऑर्डिनेंस वैध रहेगा? 6 सप्ताह। ठीक है इधर समझिए, अधिकतम समय क्या है, दो सत्रों के बीच का अधिकतम समय 6 माह, और जब एक सत्र शुरू हो जाएगा तब वो ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेगा? पता है 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा। अगर आप तुमसे पूछे अधिकतम समय क्या है तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह है। ठीक है तो ये क्या हो गया, 7.5 माह। ठीक है अब वैसे तुम्हें वन डे एग्जाम में तुम्हें जाना है पता है, तो तुम 6 माह लगा के चले आओ सही हो जाता है। पर अब जो इनमें से कोई नहीं देने लगे है ना, फिर वो इनमें से कोई नहीं, वैसे ज़्यादातर लोग 6 माह 6 माह जिसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कई वन डे एग्जाम में, पर रियल में अधिकतम होता कितना है? अगर तुम्हें UPSC में सब जगह अधिकतम तुमको यही तुम्हें करना है, UPPCS में तुमको यही करना है। ठीक है देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को न्यायालय में चैलेंज भी किया जा सकता है, अध्यादेश को न्यायालय में चैलेंज भी किया जा सकता है, अध्यादेश को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अध्यादेश अधिकतम 7.5 माह तक लागू होगा, 7.5 माह जो लिखा है ना उस ब्रैकेट में निकले 6 माह 6 माह प्लस 6 सप्ताह, और 6 माह के ऊपर आर्टिकल नंबर 85 डाल दें और 6 सप्ताह सत्र शुरू होने से, सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह सत्र शुरू होने से। ठीक है देखिए ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाता है, जब दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो या दोनों में से किसी एक का सत्र न चल रहा हो,
या दोनों में से किसी एक का सत्र ना चल रहा हो।